तो दोस्तों, आप सभी कभी ना कभी तो ये सुने होंगे या ये देखे होंगे इंटरनेट पे कि नासा की जो इंटरनेट स्पीड है वो 91 Gbps पर सेकेंड है। क्या ये सच है? आज ये वीडियो देखते रहिए और मैं इसके जो पीछे की सच्चाई है वो आपको बताने वाला हूँ कि नासा के इंटरनेट स्पीड क्या है और क्या जो 91 Gbps पर सेकेंड है ये सच है या झूठ है, ये बताने वाला हूँ। इसके पीछे सच्चाई भी बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और टेक सेंटर में आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ, ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हालांकि मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन मैंने जब इंटरनेट में देखा और मेरा फेसबुक अकाउंट में देखा और मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी देखा और कहीं कहीं भी व्हाट्सएप के कंटेंट भी मुझे ये सेंड कर रहे थे, ये लगभग 2 या 3 दिन से सेंड कर रहे थे जो कि नासा की स्पीड है वो 91 Gbps पर सेकेंड है। इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था, कुछ ढूंढ रहा था क्या ये सही है। जब मैंने नासा के जो ऑफिशियली पेज में ऑफिशियली जो वेबसाइट है वहां पे गया और ये भी पता लगा, तो सभी लोग हमारे जो जानते हैं जो वायरल के जो फास्टेस्ट नेटवर्क है वो नासा के में है, जो कि जिसकी इंटरनेट स्पीड है 91 Gbps पर सेकेंड। हालांकि ये 91 Gbps पर सेकेंड जो है ये सच है नासा की, लेकिन जो भी ये बताया जो 91 Gbps पर सेकेंड है उसमें आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। ये एक सच्ची बात है, आप इंटरनेट ही यूज नहीं कर सकते वहां पे। तो मैं डिटेल में ये बता रहा हूँ कि ये क्या है और ये क्यों लिखा गया है। तो दोस्तों, 2013 के एंड में नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने नेटवर्क में, जो कि इस एक्सपेरिमेंट में वो पाया था कि उसका जो स्पीड है वो 91 गीगाबाइट पर सेकेंड, नॉट गीगाबाइट, इट्स गीगाबिट, गीगाबिट पर सेकेंड। ये जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग घर में यूज करते हैं या ऑफिस में यूज करते हैं, वो इसी तरह के नेटवर्क नहीं है, ये एक क्लोज नेटवर्क है, ये वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। इसमें आप यूट्यूब नहीं यूज कर सकते, इसमें फेसबुक नहीं यूज कर सकते, इसमें कुछ भी नहीं यूज कर सकते आप। ये जो नेटवर्क नासा लेता है इसको वो ईएस नेटवर्क कहता है, एनर्जिकल साइंस नेटवर्क। ये नासा जो काम में लेता है एक सेंटर से दूसरे सेंटर को डाटा ट्रांसफर करने में, और जो नासा के जो रिसर्च पॉइंट जो होता है अलग अलग शहरों में, वो इस नेटवर्क को काम में लेते हैं। इसमें सिर्फ आप डाटा को भेज सकते हैं, डाटा को भेज सकते हैं, बल्कि आप जो इंटरनेट हम यूज करते हैं, जो WWW वर्ल्ड वाइड वेब यूज करते हैं, वो आप यूज नहीं कर सकते। नासा ने ये बताया था लेकिन 2013 में कि उसका जो एक्सपेरिमेंट रहा था नेटवर्क में वो उसका स्पीड 91 Gbps पर सेकेंड है, ये सच बात है। लेकिन ये जो 91 Gbps इज नॉट 91 गीगाबाइट, इट्स 91 गीगाबिट। बाइट और बिट में आप तो तफात जानते हैं क्या है, बाइट और बिट, ये मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, ये आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों, नासा जो नेटवर्क यूज में लेता है उसको वो ईएस नेट कहता है, जो एनर्जी साइंस नेट है। ये आपकी तरह और मेरी तरह जो हम घर में यूज करते हैं जो नेट, वो नेट नहीं है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा डिफरेंट नेट है जो कि डाटा ट्रांसफर में यूज होता है। आप सैरेट और जो जेंडर ये तो यूज करते होंगे, इसमें क्या आपको शो करता है आपकी स्पीड 2 Mbps 3 Mbps तक जा सकता जाता है, लेकिन ये क्या आपके रियल स्पीड है? ये जो आपके डाटा ट्रांसफर होता है उसका स्पीड होता है, ये रियल स्पीड। ये तो इसी तरह तो आपके कभी भी ऐसा कोई नेट नहीं गया, नेट नहीं है जो 2 Mbps का स्पीड देता है। हालांकि
हालांकि कुछ नेट है जो 2 Mbps का स्पीड देता है, लेकिन ज्यादातर नेट ये 1 Mbps का स्पीड देते हैं, कभी 2 Mbps तक नहीं जाते हैं। जो ये जो स्पीड का लिमिट है वो सिर्फ डाटा ट्रांसफर का लिमिट है, इट्स नॉट। तो आप सोचते होंगे 2 Mbps का स्पीड मेरा है, ये 2 MB का स्पीड नहीं, ये 2 MB का स्पीड है। आप ये भी डिफरेंस जान लो मेगाबिट और मेगाबाइट के भीतर। आप जो नॉर्मली जो इंटरनेट आपके घर में लगाते हो वो ज्यादातर आप 100 MB का और या 50 MB का ये जो इंटरनेट लगाते हो वो मेगाबिट है, नॉट मेगाबाइट। ये एक बात आप याद रख लो। और वैसे तो ये जो नासा ने टेस्ट किया था वो तो एक क्लोज नेटवर्क है, और ये आपकी तरह और मेरी तरह जो नेटवर्क यूज करते हैं ओपन नेटवर्क नहीं है। इसमें आप यूट्यूब फेसबुक नेट में जो भी आप करते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये सिर्फ एक डाटा ट्रांसफर का जरिया है। क्या मैं आपको ये बताऊंगा, कभी कभी किसी किसी नेटवर्क में भी ये जो स्पीड है वो 1 TB, 2 TB, 1 TB, 1.5 TB तक हाईएस्ट गया है। 2 TB तक नहीं, 1.5 TB तक गया है। लेकिन ये जो स्पीड है वो डाटा ट्रांसफर में 1.2 और 1. जो डाटा ट्रांसफर होता है वो इसका स्पीड है, नॉट ये नेटवर्क का स्पीड है। अब आप ये याद रख लो कि ये जो स्पीड होता है ये सिर्फ डाटा ट्रांसफर की स्पीड है नेटवर्क जो नासा में यूज होता है। नासा की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर ये आप देख सकते हो। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ये जो रिपोर्ट का, आप उसमें भी देख सकते हो वो क्या है, 91 Gbps का स्पीड जो पर सेकेंड है वो क्या है, आप ये भी देख सकते हो। वैसे तो मेरे कई सारी फ्रेंड ये बताते हैं कि जो 91 Gbps का स्पीड है वो कैसे लोग काम में लेते होंगे, नासा के जो लोग काम करते हैं वो कैसे। तो आपका अगर एक मूवी है तो आपको कुछ सेकंड भी नहीं लगेगा डाउनलोड होने में, जो 1 GB और 2 GB या 3 GB का जो, इसमें तो कुछ सेकंड ही नहीं लगेगा डाउनलोड होने में। डायरेक्ट डाउनलोड बटन दबा दो और डाउनलोड हो जाएगा, कुछ ही सेकंड नहीं। लेकिन ये सिर्फ डाटा ट्रांसफर की स्पीड है, नॉट इन जो डाउनलोड होता है, जो अपलोड होता है, जो आप इंटरनेट यूज करते हैं वो उसका स्पीड नहीं है। मैं फिर से भी बता रहा हूँ दावे से कि ये जो स्पीड है ये सिर्फ जो डाटा ट्रांसफर का स्पीड है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है उसका लिंक, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ ये जो लिंक दिया है वो नासा के जो लोग हैं वो एक्सपेरिमेंट ये जो किया था उसका लिंक है। तो दोस्तों ये थी कुछ नासा के जो 91 Gbps का स्पीड के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो में आप कुछ सीख गए होंगे कि ये जो 91 Gbps का स्पीड है वो एक्चुअल में है क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप कर दीजिए। अगर मेरे चैनल के ऊपर कोई भी सजेशन है आप बेझिझक बता सकते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके देन, गुड बाय, जय जगन्नाथ।